का रुख करते हैं। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां रामलीला के दौरान एक झूला टूट गया। झूला टूटने से दुर्घटना में चार लोग बुरी तरह से घायल हो गए। झूला टूटने के बाद रामलीला मैदान में भगदड़ मच गई। घटना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। यूपी के गाजियाबाद से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां रामलीला के दौरान एक झूला टूट गया। झूला टूटने से दुर्घटना में चार लोग बुरी तरह से घायल हो गए। झूला टूटने के बाद रामलीला मैदान में भगदड़ मच गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। यूपी के गाजियाबाद से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ रामलीला के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया और हादसे में एक झूला टूट गया, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। और अब पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। पता लगा कि इस तरह के झूले में कुछ चलते चलते उसमें बोर्ड उसके निकल गए। जबकि मैंने थानेदार से पूछा कि इसमें क्या है, तो इसके पास सभी विद्युत सुरक्षा संबंधित, फायर संबंधित और सभी एनओसी थी। और इसमें तहसीलदार हमारे न्यायिक विजय मिश्रा जी, उनको निर्देशित कर दिया कि वो देखें कि कारण क्या था। तो पी सी की परीक्षा चल रही, तो उसको के बाद वो वहाँ जाएंगे और उसकी जांच करेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां आप कार्यकर्ताओं के झगड़े का वीडियो सामने आया है। दरअसल बीजेपी सब्सिडी के प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और प्रॉपर्टी डीलर के बीच मामूली कहासुनी को चलते झगड़ा हो गया। वही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रॉपर्टी डीलर पर गालियां देने का आरोप लगाया है और बुराड़ी थाने में लिखित में शिकायत दी है। साथ ही प्रॉपर्टी डीलर ने यह भी आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स पर कार्यालय में आकर झगड़ा करने और मारपीट की कोशिश की है और बुराड़ी थाने में लिखित में शिकायत दी है। फिलहाल दोनों पक्ष की शिकायत दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली सर, मैं कल अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, दीपाली जी आई और तकरीबन 7 से 7:30 से 8 के बीच की बात थी। उन्होंने मेरे को एक पर्चा पकड़ाने की कोशिश करी, मैंने वो पर्चे के लिए मना कर दिया क्योंकि मैं ऑफिस बढ़ा के घर जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि जी सब्सिडी ख़त्म कर दो, वो सब्सिडी के लिए है। तो मैंने कहा जी ये कमर्शियल मीटर पे तो सब्सिडी है ही नहीं, तो आप सब्सिडी के लिए किस लिए कह रही हैं। तो उसके बाद उन्होंने आगे चली गई, मैडम आगे चली गई। उसके बाद बसंत और 10-12-15 लोग, जैसे आपकी वीडियो में भी देख सकते हो, सारा चीज़ उसमें है। बोर्ड उठा के हमें मारने की वो कोशिश करी गई, ये करा गया कि जी मोदी जी से करवा लो, मोदी जी देश बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये जो मामला है, ये आम आदमी पार्टी के लोगों द्वारा दंगा भड़काने का प्रयास किया गया है। अभी नवरात्र का पावन महीना चल रहा है और आम आदमी पार्टी के लोगों ने साजिशन ये हमला किया है ताकि बुराड़ी में दंगा भड़के। मैं बुराड़ी पुलिस से मांग करता हूँ कि इन सभी लोगों की तत्काल गिरफ्तारी हो और विधायक को संज्ञान लेना चाहिए और विधायक को जिम्मेवारी लेना चाहिए कि आगे ऐसी घटना नहीं हो। पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 30,000 मुस्लिम भाइयों ने विधायक को जिताया है, आज विधायक को उसका कर्ज उतारना चाहिए। ऐसा हम जा रहे थे शाम के टाइम घर, घर के लिए निकल रहे थे, जैसे गेट के बाहर निकले वैसे ही वो लोग आ गए और कहने लगे सब्सिडी फ्री है, पानी फ्री है, ये फ्री है, ये पर्चा ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इन्होंने बोला कि चलो आगे तुम जाओ, हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ मिल नहीं रहा फ्री। तो उस पर जो है गाली गलौज करने लगे, लेडीज लेके आए थे, एक लेडीज थी और उसको जो है आगे कर दिए। मैं दीपाली मेहता कल हरिद्वार में पार्टी में डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, उसी में अनवर खान प्रॉपर्टी डीलर, उसने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी। वो गालियाँ दी जिससे मैं अपनी जुबान से नहीं बोल सकती। आज उसके खिलाफ मैं कंप्लेन करने आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और मेरे मान सम्मान की रक्षा होगी। ये उन सभी महिलाओं के आत्म सम्मान को ठेस है जो महिलाएं समाज की सेवा के लिए रोड पर निकलती हैं। मेरे मान सम्मान की रक्षा की जाए और मुझे उचित न्याय। दिल्ली में तैनात एएसआई ज्योति देवी ने सैकड़ों गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर उनके घर पहुंचाया है।
अब तक एएसआई ने करीब 155 गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर उनके माता पिता के पास पहुंचाया है। वहीं बच्चों को उनके परिवार से मिलवाने के इस सफर में एएसआई को कई परेशानियां भी आई, लेकिन उन्होंने दिक्कतों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि उससे निपटने का निश्चय किया और आखिरकार एक मुकाम को हासिल कर 155 लापता बच्चों को उनके परिवार तक पहुंचाया। साथ ही एएसआई बताती है कि उन्होंने महिला पुलिसकर्मी सीमा ढाका से प्रेरणा लेकर बच्चों को ढूंढने की जिम्मेवारी उठाई है। सर, बच्चे रेस्क्यू करने की जर्नी मैंने एक अलग मोटिव से स्टार्ट किया था, लेकिन अब वो जर्नी एक अलग ही लाइन पे चेंज हो चुकी है। मैंने मार्च 2021 से जो खोए हुए बच्चे हैं उनको उनके माता पिता से मिलाने का काम किया था। दिल्ली पुलिस का एक मिशन है, मिशन मिलाप, उसके तहत मैंने ये काम स्टार्ट किया था। तो मेरा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी इसी कड़ी में हुआ है, वो मार्च 2022 में हुआ, लेकिन उसके बाद भी अब ये मेरे लिए एक जुनून बन गया है कि जो भी बच्चा माँ बाप से बिछड़ा हुआ है उसको हमने मिलाना है। और मिशन मिलाप का जो टारगेट। अगली खबर का रुख करते हैं, खबर दिल्ली से है जहां भाजपा सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर आईपीएस एक्सटेंशन पहुंचे, जहां रामलीला मंचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गौतम गंभीर ने भगवान श्री राम और सीता माता की पूजा अर्चना की। गौतम गंभीर ने कहा, जिस तरह अच्छाई का बुराई पर जीत का प्रतीक रावण दहन है, उसी तरह इस बार दिल्ली में भी झूठ का दहन होगा। साथ ही सच्चाई और अच्छाई के साथ जिंदगी जीने की बात कही। वहीं रामलीला देखने के लिए सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, साथ ही मैं सारे दिल्ली वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये बुराई पे अच्छाई की जीत है और सब अच्छे तरीके से रामलीला मनाएं। और जिस तरीके से अभी आपने ये सवाल पूछा कि बहुत उत्साह है क्योंकि 2 साल बाद रामलीला हो रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इसको एक अच्छे तरीके से लेंगे और जहाँ पर भी बुराई होगी उसे अच्छाई से जीतने की कोशिश करेंगे। खबर यूपी के गाजियाबाद से है जहां लोनी तहसील में अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार के निर्देशों पर कचरा धन प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 14 स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों ने कचरे से सुंदर सुंदर चित्र बनाकर प्रदर्शनी लगाई और सबको आकर्षित किया। वहीं कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष ने अध्यापकों को सम्मानित भी किया, साथ ही कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, उसके तहत आज यहाँ नगर पालिका में कचरा धन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न लोगों के स्कूलों ने प्रतिभाग किया है और बच्चों ने बड़े ही सुंदर तरीके से समझ कर फैलाते हैं उससे बड़ी क्रिएटिव चीजें बनाई है और यहाँ आज प्रदर्शनी लगाई है जो तारीख के सभी और बच्चों ने बढ़ाई। अगली खबर का रुख करते हैं, यूपी के आगरा में नशेबाज प्रधानाचार्य ने सरकारी स्कूल में जमकर हंगामा किया। नशे में धुत अध्यापक ने बच्चों को मिड डे मील को फैला दिया। इतना ही नहीं, अध्यापक ने रसोइये को भी भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने नशेबाज शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। खबर आगरा से है जहां उद्यान विभाग ने एक ऐसा टावर बनाया है जहां से खड़े होकर ताजमहल, यमुना नदी और आगरा किला का शानदार नजारा देखा जा सकता है। उद्यान विभाग के शीर्ष महल पार्क में वॉच टावर का निर्माण किया गया है। वॉच टावर के चारों तरफ शानदार गार्डन बनाया गया है। वही उद्यान विभाग के अधिकारी शीर्ष महल पार्क में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। उप निर्देशक उद्यान कौशल कुमार नीरज ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य है और सैलानियों को सुखद अनुभूति कराने के लिए पार्क को डेवलप किया जा रहा है। देखिए, ये जो कि टूरिस्ट प्लेस है और हर संभव हम लोग का प्रयास रहता है हर सेक्टर का कि टूरिस्ट को अधिक से अधिक सुविधाएं और आकर्षण का केंद्र पैदा किया जाए, उसी क्रम में इसको बनाया गया। देखिए, ताजमहल का व्यू ऐसे टिकट लेके करीब से देखने का अलग है, लेकिन इस जगह से देखने का व्यू है पूरा ताजमहल दिखता है, टॉप से दिखता है। यहाँ से अच्छी बात यह है कि ताजमहल, किला और यमुना तीनों एक साथ दिखती हैं, आप तीनों का नज़ारा यहाँ से एक साथ देख सकते हैं, तो ये बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। देखिए, आगरा एक टूरिस्ट सिटी है और यहाँ पे टूरिस्ट को कैसे आकर्षित किया जाए, कैसे उनके लिए अच्छे अच्छे
प्लेसेस का निर्माण किया जाए जिससे वो यहाँ पे आनंदित हों, यहाँ इसको इस क्षेत्र को आकर्षित बनाने का एक प्रयास विभाग द्वारा किया जाता है। शाहजहाँ गार्डन को विकसित किया जा रहा है, ये शाहजहाँ गार्डन का ही पार्ट है शीश महल टीला। तो यहाँ पे एक पुराना वॉच टावर था जिसको डिमोलिश करके एक अच्छा वॉच टावर एक नव निर्माण कराया गया, उद्यान विकास समिति का निर्णय था ये। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आ करके और यहाँ एक तरफ किला, दूसरी तरफ ताजमहल और सामने यमुना रिवर का पूरा अच्छा सा व्यू दिखता है, महताब बाग भी दिखता है और ग्रीनरी आप देखेंगे इधर ग्रीनरी भी दिख रही है। तो ये सारा एक बहुत सुंदर लुक यहाँ से आता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पर्यटकों के लिए एक आकर्षण। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर यूपी के जालौन से है जहां दुकानदार ने कालपी के तहसीलदार पर 1,00,000 रुपए का रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। जब दुकानदार ने रिश्वत नहीं दी तो तहसीलदार और एसडीएम ने अतिक्रमण के नाम पर दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसके बाद पीड़ित ने परिवार सहित कलेक्टर परिषद में डीएम के सामने जमकर हंगामा किया। पीड़ित की शिकायत के आधार पर डीएम चांदनी सिंह ने मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। हवाई सर दुकान थी, हवाई स्टेशन आता, उसमें तहसीलदार एसडीएम इन लोगों ने लेके अतिक्रमण के चक्कर में, क्या अतिक्रमण है सर, ना हम लोगों को कोई नोटिस दिया ना कोई पहले से खबर। और सर तहसीलदार के पास हमारा पति कागज लेके गया तो उसने कहा कि हम आपके कागज नहीं देखेंगे, आप मुझे रिश्वत दे दीजिए तो हम आपकी दुकान नहीं तोड़वाएंगे। तो वो 1,00,000 रिश्वत की उसने मांग की, इनने कहा मेरे पास है नहीं सर अभी, तो बोले नहीं तो आपके सबसे पहले आप ही की दुकान पे बुलडोजर चलाया जाएगा सर, उसमें कम से कम 35-40 लाख का माल। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।